नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उमरिया जिले के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरबसपुर में स्थानीय निवासी आदिवासी महिला द्रौपदी बाई सिंह करेम की चपेट में आ जाने से मौके पर ही मौत हो गई। वही मृतका के परिजनों ने बताया कि ग्राम बरबसपुर निवासी द्रौपदी बाई सिंह अपने घर के फर्श पर पोछा लगा रही थी, उसी दौरान कुल्हर में करंट था जिसकी चपेट में आ जाने से द्रौपदी बाई सिंह की मौत हो गई। जहां आनंद फाने में उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया एवं ड्यूटी डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। वही ड्यूटी डॉक्टर केसी सोनी ने बताया कि करंट लगने के उपरांत को घायल अवस्था में द्रौपदी बाई सिंह नामक महिला को बरबसपुर से उनके परिवार जनों द्वारा जिला अस्पताल में लाया गया एवं पीएम कार्यवाही के बाद शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि इन दिनों जिले में बिजली के करंट लगने से अनेकों लोगों की मौत हो रही है एवं बारिश के मौसम में इस प्रकार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, जहाँ संबंधित अधिकारियों द्वारा जिले वासियों से अपील की जाती है कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही कार्य करें जिससे निरंतर हो रही घटनाओं से बचाव हो सके। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। अभी तकरीबन 11:30 बजे के करीब महिला आई थी, जिसे घर वालों ने बताया कि कूलर छूते समय उसको करंट लग गया और वहीं पर वो गिर पड़ी। इसके बाद उसको अचेत अवस्था में जब जिला अस्पताल लाया गया और मेरे द्वारा उसका परीक्षण किया गया और आया गया कि वह मृत अवस्था में थी, तो उसे मृत अवस्था में घोषित होने किया और फिर मैंने उसे पीएम के आवास आ गया सर, और वही तो बनाओ तो रहे और वही बहुत समय छुट्टी हो तो टाइम रहो तो अपन छुट्टी करें ना, छुट्टी करने के बाद पूछ ऊँचा लगा लगी बहुत कूलर मस्त मरवसपुर के अंतर्गत जो थाना वरिया के अंतर्गत है वहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत उसका आवास बनके तैयार हुआ और उस पर वो फर्श जो पोछा लगा रही थी उसी समय उसका हाथ कूलर पे जाने के कारण करंट से उसकी आकस्मिक मौत हो गई, जो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत है और शासन प्रशासन उसकी जांच कर उसकी मदद करे और ऐसी घटना न हो, उसकी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए वहाँ पे उन सभी लोगों को सचेत किया जाए। मामला अभी प्रकाश में आया कि कोई बरबसपुर की निवासी है द्रौपदी सिंह, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास मिला था और वो अपना घर वगैरह बनाए थे, परंतु वो अपने घर में काम कर रहे थे, बिजली विद्युत करंट फैला और उसकी मृत्यु हो गई। उमरिया जिले में विद्युत से मरने से और करंट से मरने से बहुत प्रकार के मामले आते हैं और अक्सर देखा गया है कि इस तरीके की घटनाओं से या तो बिजली विभाग की गैर मतलब तरीके से सप्लाई हो जाती है, निश्चित सप्लाई नहीं रहती, वोल्टेज बढ़ जाता है, ट्रांसफार्मर खुले रहते हैं, ये विद्युत विभाग की बहुत बड़ी कमी है जो सप्लाई देने से पहले गांव घरों में ये भी देखा जाता है कि कितना बोर्ड प्रभावित हो रहा है डोमेस्टिक में और कितना कमर्शियल, इन सब के अभाव के कारण जो घटनाएं घट रही है उसके लिए निश्चित रूप से विद्युत विभाग